हरिद्वार के गंगा घाट पर हम मिलते हैं रुद्र से, जिसने एक अनजान प्रेमी जोड़े को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। ऐशो आराम में पला बढ़ा रुद्र बचपन से ही माँ बाप के प्यार से दूर रहा, और जिस प्यार के सहारे उसने अपना बचपन गुजारा, आज शादी से ठीक पहले वो भी उससे दूर होने जा रहा है। लेकिन इन सब से बेखबर उसके घर वाले अब भी उनकी शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं। हमेशा की तरह रुद्र यही चाहता है कि पीहू पहले आकर उससे माफी मांगे, लेकिन ऐसा ना होने पर गुस्से में वो उसके दिए हुए सारे तोहफे लेकर अपनी गाड़ी में घर से निकलता है। वहीं दूसरी तरफ संजोग ने उसे रूबरू किया एक नए रिश्ते से, गौरी से। झुमरू, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। दीदी, चल झुमरू। जानकी, जानकी दीदी, अच्छा आप आ गई। अरे तू क्यों चिंता करती है जानकी? ला इधर, ये देख, ये मेहंदी लेकर मैं अंदर जा रही हूँ। देखना, मेहंदी देखते ही कैसे खिल उठेगी पीहू। तू फिकर मत कर, बस देखती जा कि दोनों घरों की परेशानियों को मैं कैसे चुटके में दूर करती हूँ। दीदी, क्या बात है जानकी? दीदी, कल रात को उन दोनों के बीच जो झगड़ा हुआ था, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दोनों ने अपनी शादी तोड़ दी। ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं वो शादी? ये कोई बच्चों का खेल है क्या? सारी तैयारियां हो चुकी हैं, मेहमान आने शुरू हो गए हैं। नहीं नहीं जानकी, तुम नहीं जानती इन दोनों को। नहीं दीदी, इस बार पीहू मजाक नहीं कर रही है। उसने अपने पापा से कहा है कि वो रुद्र से शादी नहीं करेगी। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले जो पीहू के लिए रिश्ता आया था, उसने हमसे कहा है कि हम उसकी बात वहां चलाएं। मैंने खूब डांटा पीहू को, समझाया मैंने उसे, रिश्ते ऐसे थोड़ी ना तोड़ा करते हैं। हाँ ना जानकी, तुम और मैं मिलकर इस रिश्ते को टूटने नहीं देंगे, है ना? चल, हम ये मेहंदी लेकर पीहू के पास चलते हैं। चल दीदी, ये मेहंदी मुझे दे दीजिए, मैं इसे ले जाती हूँ पीहू के पास और अपने तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ उसे। आप रुद्र को तैयार कीजिए। ठीक है, चलती हूँ। शाम को मेहंदी की रस्म में मिलते हैं।
देखो ना, बारिश शुरू हो गई है और देवर जी अब तक नहीं लौटे। अभी थोड़ी देर में मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है। पता नहीं वो ठीक भी है या। भाभी सुनो ना, वो जौरी जी ना मेरा नेकलेस लेकर अभी तक नहीं आया है, और बाहर पता है कितनी जोर से बारिश हो रही है, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। और अगर वो नेकलेस लेकर यहाँ पहुँच भी गए ना, तो पता नहीं वो नेकलेस मेरे आउटफिट से मैच करेगा भी या नहीं। एक काम करो ना, आप फोन करके उन्हें पूछो ना प्लीज। अरे जिसकी मेहंदी है अभी तक उसका ही कुछ पता नहीं। ये क्या बहू, तुम्हारे होते हुए वो घर से चला कैसे गया? तुम्हें उसे रोकना चाहिए था बहू। मैं थोड़ी देर यहाँ वहाँ क्या हो जाती हूँ कि सब अपनी जिम्मेदारी ही भूल जाते हैं। लगता है हर बार की तरह मुझे ही संभालना होगा। बड़ी मालकिन, बड़े मालिक और बड़े भैया दिल्ली से वापस लौट आए। जीते रहो। प्रणाम माँ। खुश रहो। हो गई सारी तैयारी? जी हाँ, सारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, बस आप लोगों का तैयार होना बाकी है। और बताइए कैसी रही आपकी मीटिंग? बहुत ही अच्छी, प्रोजेक्ट और प्रपोजल दोनों ही उन लोगों को बहुत ही पसंद आए हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। चले भी बेटा, बड़े बाबूजी और बड़े भैया के नाने का पानी गर्म करवा दे। आइए बाबूजी। क्या लाए आप मेरे दिल्ली से? सरोजिनी नगर मार्केट से लाल चूड़ी वाले डिजाइन बोला था ना, लाए है ना? बोले तो नहीं ना बाबूजी? ओह पैर छूना भूल गई। बाबूजी बोलिए ना, आप लाए हैं या भूल गए? जैसे मैं आपके पैर छूना भूल गई। अरे बेटा क्यों परेशान कर रही है अपने बाबूजी को? देखते नहीं कितने थके हारे आए हैं, और इन्हें जल्दी तैयार होना भी है। वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। और वैसे भी ये चूड़ियाँ तो तुझे बाकी के फंक्शन में पहननी है ना। आज की तो तेरी सारी तैयारियाँ हो चुकी है ना, फिर क्यों तंग कर रही है? चल भाग। अच्छा जी, आपके सारे कपड़े इस्त्री करवा के अपने कमरे में रख दिए मैंने, आप देख लीजिए मेहंदी में आप वही पहनना चाहेंगे या और कुछ? भाई आज तक हमने आपके किसी भी फैसले को नजरअंदाज किया है, बस तो फिर आज भी हम रुद्र की मेहंदी रस्म में वही कपड़े पहनेंगे। अरे हाँ, मुझे भी तो मेहंदी की कितनी सारी तैयारियाँ करनी है ना, मैं तो चली। अरे भाई सब लोग हैं, पर वही कहीं नजर नहीं आ रहा जिसकी मेहंदी है। कहाँ है रुद्र भाई? क्या हुआ, रुद्र का नाम सुनकर आप अचानक परेशान क्यों हो गई? नहीं बस यूं ही, मैं रुद्र और पीहू को लेकर ही सोच रही थी। देखो ना, कल रात फिर दोनों में झगड़ा हो गया हर बार की तरह, और बचपना तो देखो, इस बार दोनों शादी तोड़ने की बात कर रहे थे। देख लो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर वो दोनों शादी करना नहीं चाहते तो ना करें। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमारे बेटे को प्रियंवदा से अच्छी लड़की और शास्त्री जी से बड़ा खानदान मिल ही जाएगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं, शादियां ऐसे थोड़ी ना टूटती हैं। आप फिक्र मत कीजिए, सब मुझ पे छोड़ दीजिए। अब मुझे ही सब कुछ ठीक करना होगा। अगर ये शादी ना हुई तो क्या मुंह दिखाएंगे सगे संबंधियों को, क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे दुनिया वालों को? दुनिया में ऐसे लोग क्यों होते हैं? जब वो मोटू आपको बाजार में बोली नहीं लगाने दे रहा था ना, बहुत गुस्सा आया मुझे, मन कर रहा था ईंट उठा के उसके सर पे मार दूं। और वो बोल रहा था कि तू अपना खाना नहीं पीछा क्यों नहीं करती, दुकान ही खोलना है तो नाचने गाने की खोलो ना। मुझे बहुत गुस्सा आया, मन कर रहा था धर दूं उसके कान के नीचे मोटू चंदकाई का। तू परेशान मत हो झुमरू, मुझे तो आदत है इस सब की, लोगों की बात पर जितना ध्यान दो लोग उतना ज्यादा परेशान करते हैं। अभी तो बच्चा है इन बातों को समझने के लिए। देख दीदी तुझे जो बोलना है बोल, जी भर के बोल,
पर मुझे बच्चा मत बोल, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, चल थोड़ी थोड़ी चाय पीते हैं। वो सामने वाली टपरी वाली चाय तुझे बहुत पसंद है ना? हाँ दीदी, रुक मैं अभी चाय लेके आता हूँ। ए चाय दे, दो चाय। दीदी गाना, मुझे तो पता ही नहीं था कि तू इतना अच्छा गुनगुनाती है। गुनगुनाती हूँ नहीं, थी झुमरू, अब तो गाना गुनगुनाना भी मना है मेरे लिए। अब गाना गुनगुनाना कौन मना कर सकता है? मना किया था ना तुझसे कि तू कभी गाना नहीं गाएगी? गौरी बेटा, तू एक बात क्यों नहीं समझती कि अगर तू गाना गाएगी तो बिरादरी वाले तुझे भी मेरी और तेरी नानी की तरह कलंक नहीं समझेंगे। आज के बाद तू कभी गाना नहीं गाएगी। तुझे पता है मैं क्या सोच रही थी झुमरू, कि आज की बोली में जो सामान हमने खरीदा है ना, उससे हमें बहुत फायदा हो जाएगा। दुकान की खिड़की और कमरे की छत दोनों की मरम्मत हो जाएगी। पर उससे भी पहले मैं फीस दे के छोटी के लिए ऋषिकेश जी के मास्टर जी को बुलाना चाहती हूँ, ताकि वो इशारों की भाषा से उसे पूरी तरह सुनना और बोलना सिखा सके। देख दीदी, बात मत बदल। और तू तो हमेशा से कहती है कि तेरी माँ बहुत अच्छा गाती है, फिर वो तुझे क्यों गाने से रोकती है? तू नहीं समझेगा झुमरू, बस इतना याद कर ले कि ना वो खुद गाती है और ना चाहती है कि मैं गाना गाऊं। अच्छा ठीक है, अगर नहीं बताना चाहती तो मत बता, पर एक बार मुझे तो अपना गाना सुना दे। यहाँ पे सुनहरी मौसी भी नहीं है, सोच क्या रही है, सुना देना अपना गाना मेरे लिए। ठीक है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने रखा है। ए जी, सबके सामने ऐसा कहने की क्या जरूरत थी? आपको कुछ अंदाजा भी है कि अगर ये शादी टूट गई तो हमारा क्या होगा? ना तो किसी रिश्तेदार को जवाब दे पाएंगे और ना ही कहीं बैठने उठने के लायक रह जाएंगे। और बिजनेस पे जो असर पड़ेगा सो अलग, उसके अच्छे बुरे के बारे में उससे ज्यादा मैं समझती हूँ ना। और मैं ये समझती हूँ कि रुद्र की शादी यही और इसी परिवार में होनी चाहिए। भई अगर आपने सोचा होगा तो ठीक ही होगा। और राजरानी जी, भई मैं कमरे के बाहर कुछ भी कह दूं, पर कमरे के अंदर का सच तो हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं ना। वो कहते हैं ना कि एक कामयाब आदमी के पीछे हमेशा एक औरत का हाथ होता है, भले ही ये लोगों के लिए कहावत हो, पर हमारे लिए तो ये सच है। अगर आप चाहती हैं कि ये शादी हो तो ये शादी होगी। आ
क्या पायल? लड़कियों की तरह पहनूंगा क्या? बुद्धू, ये पायल हमेशा तुम्हें मिली याद दिलाएगी। जब भी मैं तुम्हारे पास नहीं होंगी ना, तो इसकी चम चम से तुम्हें मेरे पैरों की याद आएगी और तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। समझे मिस्टर एरोगेंट? ये सब क्या हो रहा है? हाँ, तू यहाँ खड़े खड़े हम माँ बेटे की बातें क्या सुन रहा है? चल जाए यहाँ से, हमें अकेले में बात करनी है। जी रुद्रा, ये क्या कर रहे थे? कब छोड़ोगे अपना बचपना? ये बचपना नहीं माँ, वैसे भी न जाने कब समझेगी आपकी मैं बच्चा नहीं रहा। और फिर आप तो ये भी नहीं जानती कि पीहू और मेरे बीच में लड़ाई होने की वजह क्या है। मानती हूँ कि इस झगड़े की वजह का मुझे पता नहीं है। कौन सा ऐसा रिश्ता है जिसमें झगड़े नहीं होते? अच्छा, तू क्या समझता है मुझ में और तेरे बाऊजी में झगड़े नहीं होते क्या? हाँ, अच्छा तू इस बक्से को लेकर परेशान है ना? इस बात से परेशान है कि पीहू ने तुझसे माफी क्यों नहीं मांगी? बचपन से लेकर आज तक मैंने देखा है पीहू ने 50 बार तुझसे माफी मांगी है, तुझे मनाया है। इस बार अगर वो ये उम्मीद तुझसे कर रही है तो इसमें गलत क्या है बेटा? माँ, उसने माफी हमेशा अपने मतलब से मांगी है और आज जो उसने कहा है वो मैं कभी भूल नहीं सकता। बिना सोचे वो कहते जो उसे कभी नहीं कहना चाहिए था। बेटा, अगर तू सचमुच उससे प्यार करता है तो भुला दे सब कुछ, इसी में उसकी खुशी होगी। खुशी? आपको तो ये भी नहीं पता कि उसकी खुशी किस चीज में है, वो क्या चाहती है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे बेटे की खुशी पीहू की खुशी में है और मैं अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ। वही तो आप नहीं चाहते हैं, क्योंकि गलती मेरी नहीं है और फिर भी आप चाहती हैं कि मैं जाके माफी मांगूं। आखिर तू चाहता क्या है रुद्र, क्या चाहता है? शादी के 2 दिन बचे हैं, कार्ड्स बढ़ गए हैं, रिश्तेदार आना शुरू हो गए हैं। देख बेटा, मुझे यकीन है कि पीहू की बात का सचमुच वो मतलब नहीं था जो तू समझ रहा है। अगर उसे इस शादी से इनकार होता तो वो जानकी, पीहू के पापा, हमारी भेजी हुई मेहंदी स्वीकार ही नहीं करते, है ना? लेकिन माँ, बस अब मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती। अगर तू जिद करना जानता है तो मैं तेरी माँ हूँ, मुझे भी जिद करना आता है। ये कड़ा पहचानता है इस कड़े को? तेरे बाबू जी ने मुझे कई कीमती गहने दिए लेकिन मैंने ये कड़ा कभी नहीं उतारा, क्योंकि ये कड़ा नहीं तेरा प्यार है मेरे लिए, जिसे तूने अपनी पहली कमाई से मेरे लिए खरीदा था। आज अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो इस बक्से को तो तू बाद में बहाएगा गंगा जी में। मैं इस कड़े को, तेरे प्यार के निशाने को अभी गंगा जी में बहा दूंगी। नहीं मां, नहीं, ऐसा मत करना। तो फिर चल बेटा, घर चल, चल रुद्रा, चल। हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। लग रही हूं ना लंदन की महारानी? लेकिन इस घर में किसी को मेरी कोई कदर नहीं है। अरे आज एक ऐतिहासिक दिन है, वो खरी खोटी, उन दोनों से तो मैं कोई उम्मीद कर ही नहीं सकती।
जाकर सुनहरी। वो तो मेरी बेटी है, कम से कम उसे तो याद होना चाहिए था कि आज मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन भी याद रखो और खुद के लिए तोहफा भी खुद खरीदो। इसे देखकर सुनहरी तारीफ तो नहीं करेगी, हाँ हाँ शिकायत जरूर करेगी। अम्मा ये पैसे तो गौरी ने दुकान के ब्याज भरने के लिए रखे थे, आपके फजूल खर्च के लिए नहीं। फजूल खर्च? अरे वो दुकान जाए मेरी जूती के नोक पर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज के दिन शास्त्रीय संगीत की महान गायिका काल की देवी का जन्म हुआ था। अब इसके साथ मैं कौन सी साड़ी पहनूंगी? हाँ वो वाली बहुत अच्छी लगेगी। हुजूर इस कदर भी न इतरा। हाय 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 मेरा हार, यही तो रखा था मैंने, कौन लेकर गया होगा? हाय हाय इस घर में हर कोई मेरा दुश्मन है, कौन लेकर गया मेरा हार? हाय 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 सत्यानाश हो इस कोठी का। अरे कुंदरिया के गले में ये हार कैसे लगेगा? और तू ये हार पहनकर किसे दिखाना चाहती है? कौन आ रहा है यहाँ तुझे देखने? एक तो तेरी बहन। अरे सूरज ठीक ठाक है, लेकिन आया कोई लड़का उसे देखने? नहीं ना। और तू गूंगी बहरी काली मैना, कौन करेगा तुझसे शादी? दे मुझे, दे मैंने कहा मुझे दे। ठीक, दे मैंने कहा मुझे दे। दे मुझे। बस बस नानी बस कीजिए, अरे थोड़ी देर खेल के वापस कर देगी ना आपको। वाह 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 वाह, मुझसे कहा जाता है खाने के लिए एक पैसा नहीं है इस घर में, आटा दाल का डब्बा भरना बहुत मुश्किल हो गया इस घर में, मगर चांदी के जेवर खरीदे जा रहे हैं। हाँ? वाह 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 वाह, बस करो नानी आप भी बस कीजिए। अरे एक घर में रहते हैं हम सब, आप दोनों हर बारी बारी पहन लेना। चलो उमंग चुपचाप वहां जाके अब बैठो और अपनी किताब खोल के पढ़ना शुरू करो। चलो अब ये युद्ध शांति में बदल गया। असली बम तो अब फटने वाला है, हमारे ब्याज के पैसे उस चांदी के हार में जो घुस गए। देखो गौरी, अगर हमें हमारा ब्याज नहीं मिला तो हमें लोहे का ताला खरीदना पड़ेगा तुम्हारी दुकान के आगे लगाने के लिए, समझी? ऐसा मत बोलिए कन्हैया लाल जी, हम आपके पैसे चुका देंगे, आप जानते हैं कि हमने कभी आपके पैसे नहीं खाए हैं, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। और नहीं तो क्या, हम क्या ऐसे वैसे लोग हैं? अरे हम तो हुनर वाले लोग हैं, हुनर वाले। तू एक काम कर कन्हैयाला। क्या? गंगा के मेले में मेरा प्रोग्राम कर, थोड़ा बहुत खर्चा होगा लेकिन जब ये काल की देवी अपनी सुनहरी आवाज में गाएगी तो पैसों की बारिश होगी, आधा तू रख आधा मैं रखती हूँ। आधा? ठीक है 10% कमीशन तू रख ले। अगर जूते पड़े तो? अरे कान बड़े करके सुन लो, हमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना नहीं आता, अरे हमें भी अपना घर चलाना है काल की देवी। देखो अगर हमें हमारा ब्याज नहीं मिला तो देख लेना। ये लीजिए कन्हैया लाल जी। ये क्या कर रही है गौरी तू? कन्हैया लाल जी वापस कीजिए बूंदे। माँ रहने दो, जाने दो इन्हें। कन्हैया लाल जी आप जाइए, चलिए। हम जा तो रहे हैं इस महीने, लेकिन अगले महीने का सोच लेना। देखो गौरी, बिना मर्द के तुम औरत लोग कैसे घर चला लेती हो? देखो घर चलाने के लिए आदमी के मजबूत कंधों की जरूरत होती है। तुम कहो तो कोई इंतजाम करूं?
इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कन्हैया लाल जी। सोच लो। देखा, मैंने कहा था ना, मान गया ना, मैं जानती हूँ अपने बेटे को। इस घर में सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। बहू, मैंने तुमसे कहा था ना कि सबको वक्त पे तैयार कर देना, पर तुम भूल गई। माँ, ये इतनी महंगी शेरवानी आप मेरे लिए लेकर आई हैं? मुझे लगा रुद्र की होगी। तुम रुद्र के बड़े भाई हो, अगर मेहंदी में ठीक से तैयार होके नहीं जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? माँ, शादी रुद्र की है, मेरी नहीं। मैं कैसे भी चला जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी 2 महीने भी नहीं हुए, आप मेरे लिए नए कपड़े लेकर आई थी, फिर दोबारा इतने सारे पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? रिसेशन मानो मैं कितना बढ़ गया। चुप कर। मुझे अपने बेटे की शादी में न खर्चे की बात करनी है न सुननी है। और शादी वाले घर में तू ये क्या मुनीम जी वाली बातें कर रहा है? ये तूने क्या किया गौरी? ये मुन्ने मैंने तेरी शादी के लिए रखे हुए थे। अच्छा, तेरी खरी खोटी से शादी कौन करेगा? हाँ, इस घर के दरवाजे से बहुत सारी बारातें निकलेंगी, लेकिन इस घर में बारात कभी नहीं आएगी। बस कीजिए अम्मा, मेरी बेटियों के लिए ऐसे शब्द अपने मुंह से मत निकालिए। अरे माँ, तू गुस्सा क्यों हो रही है? और नानी, आप भी शांत हो जाइए ना। वैसे नानी ठीक ही तो कह रही है माँ, ये शादी वादी मामूली लड़कियां करती हैं। मैं तो आपका बहादुर बेटा हूँ ना, और ये शादी वादी प्यार व्यार मुझे नहीं पढ़ना इन सब में। मुझे तो अपनी माँ के साथ रहना है हमेशा हमेशा के लिए। क्यों, कोई एतराज है आपको? चुप रह गौरी, देख लेना, तेरी शादी होगी और हरिद्वार के सबसे होनहार लड़के से होगी।